जय जोहार, हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज सृजन के देवता बाबा विश्वकर्मा जी की जयंती है, तो आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्लांट में हर साल की तरह इस साल भी विश्वकर्मा जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हर साल विश्वकर्मा जयंती में यहाँ लोगों की बहुत भीड़ होती है, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। रोड के साइड साइड में बहुत सारी खिलौने की दुकानें और स्टेशनरीज की दुकानें भी लग जाती हैं, तो पूरा पूरा जो माहौल होता है ना, एक मेला की तरह होता है। तो अभी मैं आपको चलता हूँ प्लांट की कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। और अभी मेरे साथ में हमारे ऑफिस से है विमल, यहीं पर ऑफिस में काम करता है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो अभी आगे का व्यू देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ ऑफिस में विश्वकर्मा जी का पूजा हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं ऑफिस से प्लांट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं एसटीपी बैरियर के पास में, और यहां से आप लोगों को मैं भीड़ का नज़ारा दिखाता हूं। मेरे साथ में है भजराम जी। ओ, भीड़ काफ़ी है यहां पे, यहीं जितना भीड़ है प्लांट का सब इधर ही नज़र आएगा। कैमरा को करता हूं फ्रंट में और दिखाता हूं भीड़ आप लोगों को, विश्वकर्मा पूजा के लिए कितना उत्साह है आसपास के लोगों में। साइड में खिलौने की दुकान लगी हुई है। पूरा भीड़ जो है इसी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। साइड साइड में सारी दुकानें लगी हुई हैं, इधर कप प्लेट वगैरह बिक रहे हैं। तो पूरा मेला का माहौल है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों में उत्साह बहुत है। और इधर आगे से अगर आप देखेंगे तो इधर पूरा रोड जाम है, दूर दूर तक जो आज़ाद चौक है, आज़ाद चौक तक पूरा भीड़ है, पैदल चलना भी मुश्किल है, इतना भीड़ है यहाँ पे। कई लाइफ इंश्योरेंस का ग्राहक सेवा कैंप भी लगा हुआ है। बहुत भीड़ है भाई साहब, इतना तेज धूप है लेकिन भीड़ मानना पड़ेगा लोगों को। आगे तक का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। तो गाड़ियाँ निकालने में भी काफ़ी दिक्कत, क्योंकि रोड पूरा जाम हो रखा है, और पूरे साइड साइड में ये दुकानें लगी हुई हैं, जूते चप्पल स्टेशनरी फैंसी आइटम। यहाँ देखिए चिल्ला रहे हैं, हर एक माल ₹10 का सामान। इधर कपड़े ज्वेलरी, बेल्ट चश्मा, बहुत कुछ है। तो ये भीड़ पूरा प्लांट तक चलता है। तो भाई साहब नज़ारा देख ही लिए होंगे आप लोग भीड़ का, पसीने से मैं भीग चुका हूँ, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं। तो अब सीधा चलते हैं प्लांट की तरफ और प्लांट का व्यू आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। धूप देख रहे हैं कितना तेज़ है भाई साहब। अभी आ गया हूँ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का जो मेन गेट है वहाँ पे।
आप पीछे में देख सकते हैं यही मेन गेट है JSPL का, और मेरी कर्म भूमि भी यही है, यहीं पे जॉब करता हूँ मैं। तो अभी आप लोगों को मैं जहाँ पे पूजा हो रहा है पंडाल वहाँ का कुछ वीडियो दिखाता हूँ और अंदर में कितना भीड़ है वो भी दिखाता हूँ। ये प्लांट का मुख्य मंदिर शिव जी का, और बहुत मान्यता है इस मंदिर में। इस तरफ देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इधर भी काफ़ी भीड़ है। लोग जहाँ पा रहे हैं यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ सामने में पंडाल बना हुआ है पूजा के लिए। यह है हमारा सेंट्रल वर्कशॉप, यहीं पे हर साल की तरह इस साल भी बाबा विश्वकर्मा जी की पूजा हो रही है। तो यह इंट्रेंस है। आप देख सकते हैं इधर अभी भी काफ़ी भीड़ है, जो चल रहा है अभी भी। सो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं सेंट्रल गैरेज के पास। वहाँ पे कुछ प्रदर्शनी लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, लोगों की जानकारी के लिए कुछ कुछ है। तो अभी वहाँ चलते हैं और वहाँ की कुछ झलकियाँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे लोग अभी भी यहाँ पे बहुत आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, प्रसाद लेके फिर प्लांट घूम के। पहले 10 साल पहले क्या होता था कि प्लांट को घूम सकते थे आप, लेकिन जैसे जैसे प्लांट का विस्तार हुआ तो लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि लोग भी हमारे जो है ना यहाँ के मानते नहीं हैं बात को, और प्लांट एरिया में एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो वो सही भी है कि प्लांट में नहीं जाने दिया जाता है। घर में बहुत कुछ लगा हुआ है जिसको लोग देख सकते हैं। प्लांट का इतिहास है, अचीवमेंट है, और क्या क्या प्लांट में बनता है उसके बारे में है ये, और किस तरह से विकास किया जिंदल और साथ में रायगढ़ को जो विकास मिला है उसका कुछ कुछ दृश्य है यहाँ पे। यहाँ पूरा अचीवमेंट है जिंदल का, कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या हुआ है, और काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है सारे पिक्चरों को यहाँ पे, और लोग बड़े गौर से देख रहे हैं। जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं प्लांट में वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सैंपल में। प्लांट में जो जो रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सारे रॉ मटेरियल्स का सैंपल पीस यहाँ पे है। तो यहाँ लाइन से सारे फिनिश जो प्रोडक्ट हैं उनको लगाया गया है। इधर सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह कुछ हैं तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कहा जाता है सेफ्टी इज़ नंबर वन प्रायोरिटी। तो यहाँ पे प्रायोरिटी दिख रहा है सेफ्टी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट, क्या क्या हमको प्लांट में जॉब के दौरान सेफ्टी लेना चाहिए वो सारे हैं यहाँ पे। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे सेफ्टी से रिलेटेड हैं। सो फ्रेंड्स, यही था कंप्लीट सीन यहाँ का, पूजा का, पंडाल का, और कुछ सैंपल पीसेस थे वो सारे, वो पूरा दर्शन मैंने करा दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए बस यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी, जय छत्तीसगढ़।